हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि आप लोगों की असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आने वाली है। काफ़ी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, काफ़ी अनाउंस्ड होना बाकी है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप गुजरात के स्टूडेंट हैं तो जीपीएससी में आपकी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, ठीक है, या एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर का हो। कुछ एग्जाम्स तो अभी कंडक्ट हुए हैं और कुछ होने वाले हैं आपके अपकमिंग ईयर में। दूसरा, एसएससी जेई का वैकेंसी जिस तरह से पिछले साल एसएससी जेई ने अपना वैकेंसी डिस्क्लोज किया था और एग्जाम पूरा कंडक्ट किया, वैसे ही वैकेंसी इस बार भी आने वाली है और उससे ज़्यादा नंबर्स में वैकेंसी आएंगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तो आरआरबी जेई की भी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। अब समस्या क्या है, हर स्टेट का पीएससी, हर स्टेट का जेई का एग्ज़ाम इस पूरे साल के एंड तक और अगले साल के मिड तक हो जाएगा। बट हमें कैसे पता चलेगा, मतलब अगर स्टूडेंट होता तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आता कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि किस स्टेट के पीएससी का फॉर्म निकला है, कौन से स्टेट में एजेई की वैकेंसी निकली है, कब एसएससी जेई की वैकेंसी निकलेगी, कब आरआरबी जेई की वैकेंसी निकलेगी। तो इसका सीधा सा एक सॉल्यूशन है कि कोई ना कोई अगर हमें बता दे हमारा सीनियर कि कब वैकेंसी आने वाली है, कैसे हम इसका फॉर्म भर पाएंगे, क्या क्या इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा इसके लिए, तो शायद हमारे लिए ईजी हो जाए कि हम इस एग्ज़ाम को आराम से दे के इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो इसी सब चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करने के लिए मैं और मेरी टीम आ रही है आपके साथ 13 जुलाई को, कब, शाम को 6:30 बजे। हमने आपके लिए एक वेबिनार रखा है, लाइव वेबिनार, जहां पे मैं और मेरी टीम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या कि कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी आने वाली है इस साल के एंड तक और अगले साल के मिड तक, क्या प्रोसेस रहेगा उसके एप्लीकेशन का, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा उसकी पूरी पढ़ाई का, मतलब अगर कोई जर्नी की बात करें हम लोग, कैसे पढ़ाई करनी रहेगी, कैसे रिवीजन करना रहेगा, कैसे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा और कैसे उस पेपर को क्रैक करना पड़ेगा, प्रीलिम्स क्रैक होने के बाद कैसे हम उसके इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, अगर मेंस है तो हम मेंस के लिए कैसे जा सकते हैं, वो पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वेबिनार के अंदर। पर ये वेबिनार है किसके लिए, ये वेबिनार है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि इन्हीं तीन ब्रांचेज में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब आती है, तो ये वेबिनार भी इन्हीं तीन ब्रांच के बच्चों के लिए रखा गया है। अब अगर आप इंजीनियर हैं या आप डिप्लोमा होल्डर हैं, ये वेबिनार आप दोनों के लिए है, आप दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट वेबिनार है ये। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप ये वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है किसका, फॉर्म का, जाइए वहां पे रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड वेबिनार भी हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको ये एग्जाम की प्रिपरेशन ढंग से करनी है, देखो एक होता है प्रिपरेशन करना कि आपने एक किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन स्टार्ट की और बस आपने एक हैपेजार्ड मैनर में प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, आपने एक साल की मेहनत की और एक साल की मेहनत के बाद उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो रहा, आप सिलेक्ट ही नहीं हुए पेपर में, तो ये तो एक तरीका हो गया जो कि एक रॉ तरीका है कि हमने कोई प्रिपरेशन की ही नहीं ढंग से और हमने एग्जाम दे दिया और हम रिजेक्ट हो गए। अब हम उस एग्जाम को ब्लेम करेंगे कि वो एग्जाम ही कठिन था इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, पर असल में अगर गलती देखी है ना तो गलती आपकी थी क्योंकि आप एक गाइडेड वे में नहीं गए ना, आपने अपना एक गाइड ही नहीं बनाया, आपने अपना एक मेंटोर ही नहीं बनाया जो आपको बताया कि भाई कैसे उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये पूरा वेबिनार इसीलिए है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, सबके सब इस वेबिनार के रजिस्ट्रेशन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और फटाफट से मिलते हैं सीधा लाइव वेबिनार में। टिल देन, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।